जंगल जाना था खाना लेने के लिए अपने बच्चों को। तो उसने बोला तुम्हें ना गार्डन खोलना, अगर वो भेड़िया आ गया वो तुमको सब जो खा लेगा। तो मजे को चल गए जंगल, तो उन छोटे बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर भेड़िया आ गया, भेड़िया ने दरवाजा खटाया, तो बोला भेड़िया ने दरवाजा खोल लो, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। तो ना फिर एक खिड़की के द्वार में से उसने एक बच्चे ने पाव रेड मिर्च फेंक दी। भेड़िया को वो जन्म हुई, उसके आंखें ना खुल पाई। तो फिर उनके रंगने में गया और उसने मीठा खा लिया, उसकी बात मीठी हो गई। फिर चला गया और फिर बकरी की टोंगी में जाके गया और फिर बोला दरवाजा खोल लो, मैं तो आनी अम्मी आई है। तो बकरी ने ना बोला भेड़िया को, अगर हमारी अम्मी है वो लो, आप दरवाजे के द्वार में से अपना पैर रखिए। तो उसने दरवाजे के द्वार में से पैर रखा और फिर ना उसको बकरी को पता चले इसके पैर तो ब्राउन है, मारू मम्मी के पैर तो स्वेट थे। फिर भेड़िया को बोलता हूँ, तो बकरी ने बोला भेड़िया को, अब अपने ना पैरों पे आटे डाल के आओ उसे दो दिन से, फिर नाखून काट के आना। तो फिर दोबारा गया, नाखून काट के पैरों पे आटे डाल दिया। तो बकरी की चौंबड़ी के बोला मैंने नाखून काट दिए सारे और पैर भी स्वेद हैं, दरवाजा खोल लो। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, तो उनके सामने था भेड़िया। तो सारों एक बच्चा छुपा टेबल के नीचे, दूसरा बच्चा बेड के नीचे और तीसरा बच्चा कर्टन के पीछे और तीसरा बच्चा दरवाजे के टप के पीछे छुप गया और तीसरा बच्चा बड़ी गड़ी में जाकर छुप गया। तो ना सारे को ढूंढ लिया और बड़ी गड़ी वाले को नहीं ढूंढा, सारे को ढूंढ लिया और खा गया। तो सारा अगर मदर बहुत गर्म थी, उसको पता लगा दरवाजा क्यों खुला है। तो फिर उसको पता चला कुछ गड़बड़ हुई, तो आगे देखा सारा नीचे गिरा हुआ था, सारा दरवाजा का टप टूटा हुआ था, सारा बिखरा हुआ था, कर्टन फटे हुए थे। तो फिर ना एक आवाज आई उसके बच्चे की, उसने बोला, बच्चे ने बोला मैं गड़ी के अंदर हूँ, दरवाजा खोलने अपने बच्चे की मदद की। फिर उसको गोदी उठाया और ना फिर ना एक बच्चे ने उसको कहानी सुनाई पूरी भेड़िए की। तो उसने देखा और ये भेड़ी के पेट में मेरे बच्चे जिंदा हैं। तो उसने ना अपने बच्चे को बोला सुई धागा ले के आ। तो फिर ना बच्चा सुई धागा ले आया और उस कैंची ली, उसका पेट फाड़ दिया, सारे बच्चे निकले बाहर। फिर मदर बोर्ड ने बोला सारे बड़े पत्थर ले आ। तो बड़े पत्थर लिए, उसके अंदर डाल दी भेड़ी के अंदर, उसका पेट छील दिया, सारे घर चले गए बच्चे, उनको खाना खिला रही थी उनकी माँ। तो फिर भेड़िया उठा, उसको लगा पेट इतना भारी जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। तो ना वो उसको चक्कर भी आने लगे, उसको प्यास लगी। तो फिर ना वो नदी के पास गया, उसको पानी पीना था, वो नीचे रुका और पत्थर और भारी हो गई, वो पानी के अंदर गिर गया। वो जोर जोर से बोलने लगा मेरे को बचाओ।